लोग प्यार जो है वो हम करते ही है। हमारा पूरा क्रेड हो चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा जो क्रेड था वो कंप्लीटेड है, 60 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मेन चीज होती है, क्रेड बहुत मेन है। आपको अगर इसका बहुत अच्छा नॉलेज हो, देखो अब लेट सपोज अब फेसबुक किसी पोस्ट को लाइक करता है, क्या होता है, लाइक हमारा जाके डेटाबेस में ऐड होता है, ऐड मतलब क्रिएट होता है, ठीक है। सारी जो पोस्ट उठ के आ रही, क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। ये पूरा मतलब जो ज्यादातर जो एप्लीकेशन बन रही होती है ना, वो क्रैश पे होती है। ऐसा नहीं कि बस इंसर्टेड टू की लाइन से ही काम होगा, इसके फर्दर बहुत सारा काम, लेकिन बेसिक जो चीज थी वो थी क्रैश, वो हो गई आप लोग, ठीक है। अब उसको रिवाइज करते रहना, मसला होगा, भले कल आ जाओ, जब भी आना आ जाओ, मैं बता दूंगी ना, लेकिन 3 बजे से पहले आना, ठीक है। बाकी जिनके पास रैम का मसला आ रहा है, रैम इंस्टॉल ना हो, लैपटॉप उठा के आधा आ जाए, जैसे मौसम आ गया था, ठीक है। लेकिन ये मसले के जब भी हल हो गए तो आपको आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो लोग करते ही है कि लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, मतलब उठाएंगे, और उस लॉगिन फॉर्म पे अगर हम बिल्कुल करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड देते हैं, यानी डेटाबेस नीचे मौजूद है, तो वो हमें किसी डैशबोर्ड पे देकर जाए। और अगर हम ईमेल पासवर्ड गलत देते हैं, तो फिर हमें वो मैसेज दिखा देंगे, भाई रिकॉर्ड जो है वो आपका सॉरी डेटा नॉट फाउंड या ईमेल पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इस तरीके से लॉग इन वाला काम कर, बिल्कुल इजी कोड है, ठीक है। इसके लिए दो चीज चाहिए, लॉग इन फॉर्म चाहिए, एक डैशबोर्ड चाहिए। डैशबोर्ड मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, मैंने डाउनलोड ही किया था, मैं साइट बता दूंगी आपको, वहां से आपको और अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। पहले मैं वो ढूंढ लूँ, फिर मैं आपको वो अच्छा, मैं जो डैशबोर्ड अभी मेरे पास जो ऑलरेडी रखा होगा, आपको बीएनसी से शेयर कर दूंगी, बाकी साइट का बता रही कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे डैशबोर्ड आपको मिल जाएंगे, डैशबोर्ड लाइक एडमिन डैशबोर्ड जो पीछे से हैंडलिंग होती है, ठीक है, मैंने इन लोगों को दिया है वो। पर जब तक बराबर से वीएनसी कनेक्ट कर लो, मोशन का भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। नहीं, इसमें लिखो आप 200.100.100.100.201.201 ठीक है। अच्छा, ये टेम्पलेट है, डैशबोर्ड टेम्पलेट, इसको वैसे आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रही हूँ, कहाँ पे, ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर, आप भी नया फोल्डर बनाओगे ट्रिपल डब्ल्यू, लॉग इन, ठीक है, और लॉग इन के अंदर या कहीं भी रख दें, वैसे इसका मसला नहीं है, ये कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है। ये डैशबोर्ड टेम्पलेट है, इसको मैं यहाँ से पहले एक्सट्रैक्ट करके डिजाइनिंग से दिखा रही हूँ आपको, डिजाइनिंग क्या है इसकी, अच्छी डिजाइनिंग हुई थी, ठीक है। ये एक ही फोल्डर है ऐसे इसका, बाकी पेजेस में एक ही फाइल है। इसमें तो है मतलब डैशबोर्ड की डिजाइनिंग, काफी बड़ा डैशबोर्ड था, मैंने बहुत सारी चीजें हटाई है, ठीक है, डैशबोर्ड इस तरीके से। तो अब मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं बिल्कुल सही ईमेल पासवर्ड देती हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा दो, वरना आपको उधर ही मैसेज दिखा दे कि भाई रिकॉर्ड जो आपका गलत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपका डैशबोर्ड हो गया। क्या हुआ, मौसम अभी तक ठीक से नहीं खुल रहा है क्या? आगे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तभी वो नहीं खुलता है।
अच्छा देखिए, ये एक टेम्पलेट यहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं, वैसे लॉग इन फॉर्म खुद ही बना सकते हैं, लेकिन अच्छा डिजाइनिंग वाला मिल जाए ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लॉग इन फॉर्म पे आ रही हूँ, यहीं से हम कोई भी जो है वो एक टेम्पलेट जो है डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से भी मिल जाएंगे, बाकी कोड पेन से भी मिल जाएंगे सारे, बहुत सारे इसमें से कुछ है ना पेड भी होंगे तो उसको देख के लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हैं, अगर उस टूल को कौन ओपन करेगा, ये टूल से डाउनलोड हो गया ना। सिंपल सा हो, इतने हमें को डिजाइन चाहिए। अच्छा ठीक है, अब ये आ रहा है आपके पास लॉगिन फॉर्म ठीक है। लॉगिन फॉर्म मुझे जो है वो ये वाला चाहिए, तो सबसे पहला काम तो ये करें, DDD का फोल्डर जो बनाया अभी खाली है ठीक है, इसको मैंने CMD पे आके कोड पे खोला है, कोड स्पेस डॉट ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक मैंने फाइल बनाई है, फाइल में मैंने लिखा है login.php, और एक फाइल मैंने बनाई है या उसको मैंने बाद में बनाया है, पहले इस पे आ जाए लॉगिन पे। एक और मैंने बना ली अभी से ही connection.php ठीक है। तो मोहसिन क्या हो गया, क्या मसला, क्या आ रहा है वहां, यहाँ उधर क्या हुआ है, जल्दी कनेक्ट करो यार, बीएनसी कनेक्शन नहीं है, तो बड़े जल्दी लिखो। क्या हो रहा है ये, किसका मोबाइल ये है ये, को साइलेंट करो मोबाइल को। अच्छा नोटिफिकेशन खैर बस बात खत्म कर लो, लेक्चर पे फोकस करो। खैर ये एक फोल्डर बनाया है ठीक है, इसको हमने ट्रिपल यहाँ पे ओपन किया है, दो फाइल बनाई है लॉगिन और कनेक्शन ठीक है। अब ये लॉगिन की फाइल में मुझे जो है वो ये वाला लॉगिन फॉर्म चाहिए ठीक है, तो इसको सारा कोड यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर आके शिफ्ट करके बंद करके मैंने इसको पहले कोड लिया है, और बीच में आके सारा कोड हमने पेस्ट किया है ठीक है। उसके अलावा ये सीएस के कोड को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इधर आ जाए, मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन किया है, सारे कोड को यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया है ठीक है। तीन से लॉग इन है, अच्छा अगर डॉट पीएचपी के एक्सटेंशन का काम करता है तो सीएसएस की कनेक्शन का काम करता है वो आज वो सी एस बंद हो जाएगी, फिर आपको उसके लिए नवे पैकेज को ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। नहीं आपको पीएचपी की सारी इंटेंसिव का एक पैकेज होगा, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो फिर आपको एचटीएमएल भी देगा, आपको सीएसएस भी देगा, सारी इंटेंसिव वैसी की वैसी आएगी। पीएचपी इंटेंसिव सीखोगे मिल जाएगा मास, यार मास का पेपर था आज कौन सा, डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, आवाज क्यों आ रही थी क्लास में, बातें नहीं करो, मेरी तरफ सब क्या नहीं सुन रहे थे ऑफिस से बातें बातों की आवाज नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे आने के बाद अब देखें आपके पास ये एक फॉर्म है ठीक है, ये हमने सिंपल जैसे आईसीडीएस में कर लिए, डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस पहले ओपन कर ले, तो वैम सर्वर देख ले ओपन है, बैंक ओपन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद बैंक को दिया है, बैंक सर्वर ठीक है। ये बैंक वेट करना ठीक है, ये बैंक हो गया, यहाँ पे आने के बाद लोकल होस्ट 212/PHP MyAdmin, पहले लेक्चर कर लो 12 बजे तक दे दो ठीक है, बैंक का ही मसला है ना सिर्फ, वो हो जाएगा मसला, उसको कोई इतना मसला थोड़ी ना है।
ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बीएचपी डिपार्टमेंट ओपन हो गया है। बीएचपी डिपार्टमेंट के ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपल डेटाबेस बना रहे पहले तो किसी भी नाम का, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अभी से बना ले टेबल, किसी भी नाम का बना ले, स्टूडेंट डिटेल या फिर एम्प्लॉय डिटेल, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पहले बनाया था वाले उसी को यूज कर लो। मैंने यहाँ पे कहा है कि बोले चार हो, ठीक है वो। यहाँ पे हमने कहा आईडी, नेम, ईमेल, पास, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो सारी इसकी जो है डेटा टाइप्स वगैरह सारी सेटिंग करनी है। और आईडी पे यहाँ पे आने के बाद ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक करना है, यहाँ से करें सिंपल सेव, ठीक है। ये आपके पास पीएचपी एनवायरनमेंट की जो है वो यहाँ पे सारी जो है वो सेटिंग हो गई है। अच्छा इसके बाद आपके पास यहाँ पे डेटाबेस की सेटिंग हो गई, डीएस कोड पे बातें हो रही है, ये कौन बैठा है इनके बराबर में, कौन है बराबर में, मुजम्मिल, क्या मसला है, मुस्तकिल से बातें ही कर रहे हो, वो देखो रयान शुरू हो गया। दो मिनट यहाँ वहां बातें मत शुरू कर दिया करो, पीएचपी माइंड में लोड हो रहा होगा तो ही बातें स्टार्ट कर रहा, पहले लोड होगा बातें करते हैं फिर देखेंगे इधर। अब एक आवाज नहीं है जी, हाँ ये मैंने कोडिंग थोड़ी ना लिखी, ये कॉपी पेस्ट किया है। उसे मैं वहां से उठो, यहाँ पे आओ, इधर आओ, तो क्या आपके साथ आओ, आ जाओ बैठो, करो गेम से कनेक्ट। लास्ट में आई थिंक कौन है, रहीम है शायद, रहीम आगे आ जाओ, थोड़ो हो जाएगा इधर आओ, इससे हम वही से आता हूँ। एक आवाज है इसका क्लास के बाहर खुद चले जाना, अब मुझे बोलना ना पड़े, पूरी क्लास को डिस्टर्ब किया, पूरा लेक्चर लेक्चर करवाना, पूरा बर्बाद करके रख दिया लेक्चर को, बात ही बात है। देखो यहाँ पे 200.100.100.100.201 वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं काम, ठीक है। बातें की फिर अपने ऊपर रखना, फिर मेरे ऊपर नहीं आना कि मैंने नहीं करवाया, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है भैया, गलती फिर आप लोगों की खुद की है। खैर यहाँ पे हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर, नया फोल्डर है, इसको हमने सी एम डी पे आके पी एस कोड को ओपन किया, ठीक है। देन हमने यहाँ से ये दो फाइल बनाई, लॉग इन एंड कनेक्शन, इसके आगे भी कुछ काम है वो बाद में देखते हैं। लॉग इन पे आने के बाद शिफ्ट करके वन करें, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से वही जो कोड आप लोगों ने यूज किया होगा वैसे हमने कोड ले लिया लॉग इन। यहाँ पे आपके पास हमें जो एक लॉग इन फॉर्म चाहिए, एक तरीका ये हम खुद बना लें, फुल डिजाइनिंग वाला चाहिए तो यहाँ से कोड पे कोडिंग से मैंने ये लॉग इन फॉर्म है, ये हम इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एच टी एम वाला कोड है, ये इसका सी एस एस का कोड है, तो पहले एच टी एम वाला कोड को कॉपी करें, बॉडी के टैग में आने के, ये फॉर्म कोड पेन की ऑलमोस्ट ही रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। कुछ में प्रॉब्लम में भी हो लेकिन ऑलमोस्ट इसकी सारी चीजें रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। ये मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। ये सारा जो कोड था मतलब वहां से हमने पेस्ट किया। उसके अलावा ये आपका सी एस का कोड है, कॉपी करें, टाइटल के बाद मैंने स्टाइल का टैग खोला है और मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा अब ये तो मैंने खैर पेस्ट कर दिया लेकिन मे भी कुछ डिजाइनिंग का मसला है तो पहले इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर इस नाम से फोल्डर है लॉग इन के नाम से, तो मैंने कहा लोकल होस्ट 2.24 फोल्डर का नाम जो ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर है, एंटर करें तो ये फाइल लेके आ रहा है। अच्छा अभी हमारा फॉर्म आ गया, अब हम चाह रहे हैं कि हम ईमेल पासवर्ड लिखें, और अगर ईमेल पासवर्ड बिल्कुल हम सही लिखते हैं जो डेटाबेस में मौजूद हो इस टेबल के अंदर तो ये हमें लॉग इन करने दे, मतलब हमें किसी डैशबोर्ड या किसी नए पेज पर ले जाए, और अगर हम ईमेल पासवर्ड गलत लिखते हैं तो फिर हमारे पास यहीं पे मैसेज आ जाए कि भाई आपने जो है वो गलत लिखा है ईमेल पासवर्ड, ठीक है। सिंपल बस मतलब लॉग इन करना है, ऑथेंटिकेशन करनी है, तो इसके लिए ये फॉर्म तो बस बन गया, ठीक है। फॉर्म बनाने के बाद कुछ में चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए प्लेस होल्डर में आ जाए, मैंने कहा कि अभी हम ईमेल पासवर्ड से करेंगे तो यूजर नेम को मैंने हटाया है। पी एच पी के जो रूल है फॉर्म का मेथड पोस्ट, ये हम करेंगे जाहिर है, फॉर्म का मेथड पोस्ट
इनपुट टाइप और एक बटन है, इन तीनों को हमें नाम देना था। इनपुट को इसने नेम नहीं दिया हुआ तो दे दें। मैंने कहा नेम इक्वल टू, नहीं आपका होगा ये, फिर आपका फॉर्म मेथड पोस्ट नहीं होगा तो रिकॉर्ड आगे सेंड नहीं होगा। मेथड पोस्ट इसका कंपलसरी है, ठीक है। नेम मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी लिख लें, इस तरीके से समझाने के लिए लिख लें। इसको भी मैंने यहाँ पे नेम दे दिया पास इनपुट। और जो बटन है आपका, अच्छा बटन का एक तो नेम देना है, ऊपर से एक और क्या करना पड़ता है हमें काम? बिल्कुल, टाइप सबमिट नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे लॉग इन भी दिए और जो है वो इसकी टाइप यहाँ पे करते हैं सबमिट। नहीं नहीं, नेम की बात भी हो सकता है, वो सीक्वेंस से कर दी तो कहीं भी लिख सकते हैं। तो एट्रीब्यूट है इसका, एट्रीब्यूट आप कहीं भी लिखो, ठीक है। ये हमने इसमें जो सेटिंग करनी थी वो कर दी, मेथड पोस्ट, बाकी तीनों को नाम और बटन की टाइप सबमिट। ये करने के बाद सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि चेक करते हैं इसकी क्लिक करने पे कोई एक अलर्ट आ जाए, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि बटन काम कर रहा है, फिर उसके बाद की चीजें क्या करते हैं, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करवाना है, बटन का नाम है लॉग इन बी डी एन फाइल डॉट पी एच पी, बिल्कुल ठीक बनी हुई है। ऊपर कर ले या नीचे कर ले मर्जी है, यहाँ पे कर ले सारा कोड। मैंने यहाँ पी एच पी के एक्सेसर्स को ओपन किया है, क्लोज किया है। यहाँ मैंने कहा इफ, कोई जो मैंने आपको काम करवाया था, इफ सेट बिल्कुल डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम, मैंने कहा बटन का नाम है लॉग इन बी टी एन। मैंने कहा जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ये इस सेट काम ही करता है क्लिक का। मैंने कहा अगर क्लिक करें तो आपके पास एक सिंपल अभी के लिए अलर्ट आ जाए। तो अलर्ट लाने के लिए स्क्रिप्ट का टाइप ओपन क्लोज, अलर्ट मैसेज आ जाए यहाँ पे कि आपके पास ये हो गया है क्लिक, ठीक है। अगर ये आ गया तो फिर हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके पास अलर्ट तो ला रहा है, तो मतलब अब हम अपना काम कर सकते हैं इसके अंदर, इस बटन क्लिक के अंदर। तो मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएगा इसलिए मैंने हटा दिया। अब हमें करना ये, डेटाबेस बना लिया मैंने, वहां पे लॉग इन दी, मुझे कनेक्टिविटी करनी है पीएचपी के साथ, तो भले टॉप पे कर लें, ऊपर आ जाए, या फिर हमने एक फाइल बनाई है उसमें करेंगे। यहाँ पे आ जाए, मैंने खोले पीएचपी के एक्सेसर्स, क्लोज किया, वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का बन सकता है। इसमें हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको लिखनी है। देन मैंने एक और वेरिएबल बनाया, यूजर मैंने बताया रूट है। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया, डॉलर से सारे वेरिएबल बनते हैं, पास मैंने कहा खाली है। फिर हमने लास्ट एक वेरिएबल बनाया डीबी, जिसमें डेटाबेस का नाम वो आएगा जो पीएचपी माय एडमिन में बना हुआ है, वो है लॉग इन डीबी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद लॉग इन डीबी, ये हो गया। अब मैंने कहा कि एक वेरिएबल बनाए कौन, मतलब कनेक्शन के लिए, इक्वल टू पीएचपी का अपना फंक्शन MySQLite कनेक्ट, ये आपके पास वो फंक्शन है जिसमें सारी कनेक्टिविटी होती है। मैंने क्या करना है, इन चारों वेरिएबल को एक एक करके इसे पास करना है, डॉलर लोकल होस्ट कॉमा डॉलर यूजर कॉमा डॉलर पास कॉमा डॉलर डी, ये हमने पास कर दिया मतलब। और मुझे कंफर्म है कि जरा कनेक्टिविटी हमारी हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार इसमें कर लें। मैंने कहा डॉलर कौन अगर मेरा सही चल जाता है तो हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ आ जाए कनेक्टेड। अब इसका एक तरीका आप बताओगे मुझे, इसे मैं क्लिक करी रीलोड करने पे कनेक्टेड क्यों नहीं आ रहा, इंक्लूड नहीं करवाई है। और अगर मैं इंक्लूड करवाए बगैर से भी चेक करना चाह रही तो फिर मैं इस फाइल का नाम इधर दूंगी, जाहिर है, ठीक है, ताकि वो चले। मैंने कहा कनेक्शन डॉट पी एच पी, तो क्या कह रहा है कनेक्टेड, तो अभी ये बार बार आएगा, उससे बेटर है मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कन्फर्म हो गया कनेक्ट तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को वहां पे जाके इंक्लूड करवाएंगे, क्योंकि ये फाइल अलग है वो फाइल अलग है, दोनों का आपस में कंबाइन करने के लिए पीएचपी का अपना फंक्शन है कौन सा, इंक्लूड का फंक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में ऑनलाइन क्लास में देखा था। मैंने कहा पीएचपी इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर मैंने इस फाइल का नाम दिया, मैंने कहा कनेक्शन और विद एक्सटेंशन डॉट पीएचपी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कनेक्टिविटी इस फाइल में भी हो गई, लॉग इन डॉट पीएचपी की फाइल में भी कनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि इस फाइल के अंदर कनेक्टिविटी का कोड है, मैंने इसके यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया, ठीक है, मतलब कनेक्शन वाला काम हमारा डन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बात है, नीचे आ जाए, नीचे 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 तो डिजाइनिंग हुई हुई, ये रहा हमारा फॉर्म। फॉर्म पे इनपुट के नाम क्या है, ईमेल इनपुट एंड पास इनपुट, ठीक है, इस ईमेल इनपुट, अच्छा, और ये नाम हमेशा इनपुट को ही दोगे, ऐसा नहीं गलती से आपने आई को दे दिया या टेबल को दे दिया, ठीक है। इस ईमेल इनपुट और पास इनपुट को मुझे नीचे गेट करना है, यहाँ पे आने के बाद
इसको हम किसी ना किसी इसको वेरिएबल के अंदर जो है वो गेट करेंगे। ठीक है, तो रही हाँ रही गेट रही रही बताओ क्या लिखूं। मुझे ऊपर जो नेम है वो यहाँ पर लेके आना है, क्या लिखूं। सबसे पहले मतलब देखिए ऊपर जो नेम हमने दिया हुआ है इनपुट को, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज ऊपर है ईमेल इनपुट, तो मैं ईमेल इनपुट डायरेक्ट तो नहीं लिख सकती ना, जाहिर है। क्या है पीएचपी का कौन सा फंक्शन है, नहीं बताओ। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा आंसर करेक्ट है। रायान कंप्लीट करो इसको, क्या बोल रहे, पूरा क्या लिखूं। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले वेरिएबल बनेगा। मैंने कहा वेरिएबल किसी भी नाम का बना लें, जैसे कि ईमेल, ठीक है, फिर इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो आपने अभी कहा, और इसमें वो नाम आएगा जो ऊपर है वो है ईमेल, तो ये गेट हो गया। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पाया गया, वही था ना, ये वही समझ लें। फिर मैंने कहा एक और वेरिएबल डॉलर पास, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, ऊपर जो नाम है वो है पास इनपुट, ये करा दो, दोनों नाम गेट कर लिए। ये दोनों नाम गेट करके फायदा ये हुआ कि अगर मैं अभी ईमेल लिखती हूँ लेट्स सपोज किसी की भी, user@gmail.com एंड user@123, तो वो जो मैंने लिखा ना वो इन दो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के अंदर उसकी जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद मुझे सिर्फ एक क्वेरी बनानी है, और क्वेरी बनाने के बाद एक पीएचपी एक नया फंक्शन है वो मैं सिर्फ बताऊंगी आपको काम हो जाएगा। लेकिन वो क्वेरी कैसे चलेगी, अगर मैं आपको ये बोलूं लेट्स सपोज इसमें हम दो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हार्ड कोड रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे दो तीन रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट किए, ठीक है, बस मैं दो तीन रिकॉर्ड से यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। अब मैं आपसे अगर कहूं कि आप ऐसी एक क्वेरी बनाए पीएचपी को भूल जाए, एसपी माई सीक्वल बनाए, मैंने आपको कहा कि आप एक ऐसी क्वेरी बनाओ जिससे जिसका ईमेल पासवर्ड moiz@gmail एंड moiz@123 है, वो उसी का रिकॉर्ड सिर्फ उससे आ जाए, सिर्फ उसका रिकॉर्ड, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ईमेल इक्वल टू moiz@gmail एंड पास इक्वल टू जो भी इसका पासवर्ड, ये क्वेरी बनेगी ना सिंपल सेलेक्ट की, वही क्वेरी पीएचपी में जाएगी। ठीक है, पीएचपी में आ जाए, मैंने कहा कि बनाए क्वेरी किसी भी नाम से इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम क्या है आपका वहां पे, एम्प्लॉय टीबीएल, ठीक है, लॉग इन डीबी तो वो डेटाबेस का नाम था, ठीक है, एम्प्लॉय टीबीएल वेयर माई सीक्वल का कॉलम ये है, इक्वल हो किसके, कौन कैंडिडेट करें, आईडी लिख दो तो भी चल जाएगा ना, कौन सी आईडी, नेम वहां पे जो आईडी आ रही है वही नेम से भी तो से भी हो सकता है, लेकिन देखिए ज्यादातर ईमेल पासवर्ड ही मैच होता है, और या तो ईमेल पासवर्ड या फोन और पासवर्ड होता है ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर ईमेल पासवर्ड ही तो होता है, इसलिए मैं उससे मैच करवा रही हूँ, उससे क्या मसला है। आपको अगर नेम से करना है आप नेम से करो, आईडी से करना है आईडी से करो, इससे भी करना, मैं तो ईमेल पासवर्ड से कर रही हूँ, तो यूजर बाकी नेम और ईमेल का ऑन क्वेरी लगेगी और पासवर्ड का एंड पे पासवर्ड की एंड पे लगेगी। बिल्कुल, अगर आपको नया से करना है कि भाई नेम या ईमेल दोनों में से कोई एक हो, फिर नेम इस तरीके से हो और लेकिन पासवर्ड पे एंड लगेगा, क्योंकि वो हर हाल में सही होना है। ठीक है, अभी ईमेल पासवर्ड पर अगर मैं आऊँ, मैंने कहा ईमेल ये माई सीक्वल का है, किसके इक्वल हो, मैंने कहा इसके डॉलर ईमेल, ईमेल मैच हो गई, मैंने कहा एंड पास ये माई सीक्वल का कॉलम है, इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट डॉट डॉट डॉलर क्या आएगा पास जो ऊपर बना हुआ है, ये बन गई हमारी एक क्वेरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम की जो क्वेरी थी वो बन गई। ठीक है, ये दो वेरिएबल थे, इन दोनों का नाम मैंने यहाँ किया। अब वही चीज है कि भाई पीएचपी में क्वेरी है, तो पीएचपी में जब भी क्वेरी होती है उसको हम किस में रखते हैं, पीएचपी में जब भी हम कोई क्वेरी चलाते हैं माई एसक्यूएल क्वेरी के फंक्शन में रखते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल कनेक्ट का फंक्शन पढ़ा अभी हमने, वैसे माई एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है, तो मैंने बना लिया एक वेरिएबल किसी भी नाम का बना लें, ऐसे बना लें इक्वल टू माई एसक्यूएल क्वेरी,
इसमें दो आएंगे, एक आएगा डॉलर कौन, डॉलर कौन कहाँ से आएगा, कनेक्शन कनेक्शन में ठीक है। डॉलर कौन इधर कहीं नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर ढूंढने के यहाँ कहीं नहीं मिलेगा डॉलर कौन, लेकिन इस फाइल में है मौजूद, तो इस फाइल से डॉलर कौन इधर कैसे आएगा, क्योंकि हमने ऊपर इसको यहाँ पे इंक्लूड करवा दिए, डॉलर कौन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। नीचे आ जाए, मैंने कहा एक है डॉलर कौन और एक है लॉग इन क्वेरी जो ऊपर बनी हुई है, जिसमें हमने ये बैठ के क्वेरी लिखी है, वो वेरिएबल का नाम किधर आया, ये क्वेरी चल गई ठीक है। अब सिर्फ लास्ट स्टेप है, ताकि अगर मैं वो स्टेप नहीं करूंगी तो इससे होगा ये, चाहे मैं ईमेल पासवर्ड सही दूं या गलत दूं, वो तब भी मुझे वेलकम बोलेगा। मुझे क्या करना है, अगर ईमेल पासवर्ड ठीक हो ना तो ही वेलकम बोले, वरना क्या बोले, डेटा नॉट फाउंड, ये करना है ना हमें। तो मैं इसके लिए आपको फंक्शन पढ़ा रही हूँ, एक वेरिएबल बना ले किसी भी नाम का, इस नाम का मैंने लिखा है इधर माय एसक्यूएल है नाम रॉस, ये भी पीएचपी का फंक्शन है, ये आपके पास वहां से काउंटिंग करता है पीएचपी माय एडमिन से, और ये आपके पास एक ही वेरिएबल लेता है, एक ही वेरिएबल जिसमें कनेक्शन विद क्वेरी दोनों हो गई हो, कनेक्शन विद क्वेरी दोनों हो गई हो, तो मोहसिन कौन सा आएगा इधर वेरिएबल, क्वेरी दोनों हो गई है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों काम चल रहा है, तो मैंने कहा इसको यहाँ पे उठा के पास कर दो, हो गया हमारा काम डन। मैंने कहा अगर डॉलर काउंट ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसमें वन या जीरो आता है, मैंने कहा अगर बड़ा है जीरो से तो मुझे अभी के लिए फिलहाल बोलने वेलकम, फिर हम इसको बाद में डैशबोर्ड पर लेके जाएंगे, मैंने कहा अभी के लिए बोल देना वेलकम, तो स्क्रिप्ट का टैग खोलें बंद करें, मैंने कहा बोल देना अलर्ट में वेलकम, और वरना एल्स आपके पास आ जाएगा कि इसको ईमेल पासवर्ड गलत मिल गया, पेस्ट डेटा नॉट फाउंड, ठीक है ये हो गया पूरा काम, और ये कब चलेगा जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सिंपल कोडिंग है, बस सिर्फ इसका ही लाभ है, बाकी तो पूरा का पूरा पुराना वाला ही काम, ठीक है चेक कर ले। अच्छा मैंने वहां पे ईमेल क्या दिए, ये वाली ईमेल दिए और पासवर्ड, मैंने कहा ये ईमेल और पासवर्ड, लॉग इन करने पे क्या बोल रहा है, और अगर मैं इसको गलत ईमेल पासवर्ड, लेट सपोज मैंने ईमेल तो इसको यही दी, लेकिन मैंने पासवर्ड कुछ गलत दे दिया, वो क्या बोल रहा है समझ में आ गई बात, तो अब मैं क्या बोलूँ, वेलकम ना बोलो, किसी पेज पे ले जाओ, एक नए पेज पे ले जाओ, तो वो नया पेज कहाँ से लाऊं, डैशबोर्ड मैंने आपके सामने अभी डाउनलोड किया था, आप भी डाउनलोड कहीं और करना हो यहाँ से मिलेगा, अच्छे यहाँ से मिलते हैं, बाकी थोड़ी बहुत सारी साइट है, थीम्स वैगन की साइट है, यहाँ से आपको जो है वो डैशबोर्ड के टेम्पलेट मिलते हैं, तो मैंने कहा थीम्स वैगन फ्री टेम्पलेट लिख लें, ठीक है ये साइट है, ये वाली साइट है, यहाँ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट फ्री मिलेंगे, यहाँ आपको डैशबोर्ड भी फ्री मिलेंगे, इसमें आ जाए, ये भी है और काफी सारी और भी मिल जाएगी। डैशबोर्ड किसको कहते हैं, देखिए डैशबोर्ड आपके पास इसको कहते हैं, ये डैशबोर्ड है, वो टेम्पलेट है, ये डैशबोर्ड टेम्पलेट है, ठीक है इसको आप एज एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट भी कहते हो, ये डैशबोर्ड है। हाँ देखो फेसबुक पर जब हम आम लोग लॉग इन करते हैं तो हम अपनी फेसबुक पर जाते हैं, लेकिन जो जिसने फेसबुक बनाई है ना, जब वो लॉग इन करता है तो वो डैशबोर्ड पाता है अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ से हम सबको देख रहा होता है, हम सबकी चैटिंग देख रहा होता है, हमने क्या पोस्ट डाली को देख रहा होता है, ठीक है बिल्कुल, इतना टाइम पा देंगे ना, ठीक है ठीक है। तो हम जैसे कि आम यूजर्स है ना, तो वो क्या करेंगे, वो हम अपने फेसबुक पर गए, हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह सबकी चैटिंग, लेकिन जो उसका एडमिन है या जिसने फेसबुक बनाई, जिसने क्लाइंट को यूजर ने पासवर्ड दिया कि भाई ये कोड है मसला को चेंज कर देना, तो वो जब लॉग इन करेगा तो वो किस पाएगा अपने डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड इसलिए काम आता है, ठीक है। तो अब ये आपके पास कहा है, जैसे कि ये सब डैशबोर्ड है फ्री है, ये क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वैसे वो बेटर लगता है, अगर आपको वो चाहिए तो मैं इसको बीएनसी शेयर करूंगी, ठीक है ये वाला मैंने चलाया भी था शायद, ये वाली फाइल है, गूगल करो, ये डैशबोर्ड है, सिंपल सा एक इजी सा डैशबोर्ड है, तो ये भी सही है, आपकी मर्जी जो भी, ये रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि मैंने इसको खुद नहीं बनाया था, मैंने इसको डाउनलोड किया था, लेकिन यहाँ से नहीं किया था, थीम पैकेज से ही मैंने बहुत पहले किया था डाउनलोड, और मैं इसी को ही अक्सर यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ।
बाकी तो बहुत सारा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा आप देखें यहाँ पे ना, ये डैशबोर्ड जो है ये अलग फोल्डर में पड़ा हुआ है और हमारा काम इस फोल्डर में, ये अलग है वो अलग है। तो आप क्या करें, इस डैशबोर्ड टेम्पलेट को कॉपी करें, अपने पीएचपी वाला काम फोल्डर के अंदर जाके पूरा का पूरा फोल्डर पेस्ट करें। जब पेस्ट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, मैंने तो बोला, मैंने कहा पेजेस डॉट एच टी एम एल की जगह कर दे पीएचपी, ठीक है। बाकी एसेट्स का फोल्डर अपनी जगह पे ठीक पड़ा, उसको छोड़ दें। अब मैंने कहा मुझे वेलकम मत दिखाना, मुझे इधर जाना है, इस फाइल में आना है, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। तो इसको मैंने कहा अभी के लिए करें कमिट, हेडर लोकेशन और लोकेशन का पार्ट पूरा देना है। मैंने कहा उस फोल्डर का नाम है डैशबोर्ड टेम्पलेट, उसके अंदर है पेजेस का फोल्डर और उसके अंदर है डैशबोर्ड डॉट पी एच पी ई फाइल। ये हो गया आपका पूरा का पूरा, एक हमने URL दे दिया, तो ये आपको इधर आके रिडायरेक्ट करेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें जाके चेक करें, बंद करते हैं, गिराते हैं। मैंने इसको रीलोड किया, मैंने दी मुइस की मेल दी, मैंने पासवर्ड दिया, सही पासवर्ड दिया। लॉग इन करने पे क्या बोल रहा है, गलत किया क्या, नहीं हुआ था। पासवर्ड क्या है, हाँ ये रही तो दिया मैंने, गलत देख लिया। वो तो आपको सीएसएस करनी पड़ेगी ना, उसके लिए आई का आइकन लगाना पड़ेगा और फिर उसे क्लिक करने पे, तो वो तो सीएसएस है ना, हम तो पीएचपी कर रहे हैं, वो भी कोड़ा को मिल जाएगा। अभी तो फिर अगर देखें टाइप इसकी टेक्स्ट करते हैं, देखिए अलर्ट ला रहा है कि हमने इस कोड में गड़बड़ की है। तो मतलब ये आपको बात का कोई मसला किया, डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड टेम्पलेट के अंदर पेजेस का फोल्डर है एंड देन ये फाइल है, तो दिया ना एक काम करें ना, वहां पर जाते हैं लोकल होस्ट ऊपर पे जगह पे खोलते हैं ना, वहां खोल लें लॉगिन और फिर उसका फोल्डर से पास देखें क्या दे रहा है। पहले तो मैं यहां से देखूं यहां से क्या दे रहा है, बेबी के बीच हमें स्लैश देना हो, अगर अभी नहीं चला तो फिर हम यहाँ पे स्लैश देके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लैश देके देखते हैं, लॉगिन के फोल्डर के अंदर ही है ना, ये फाइल भी लॉगिन के अंदर ही है, ये फोल्डर भी लॉगिन के अंदर ही है। हाँ अगर ये बाहर होता तो फिर हम देते ना, अगर लॉगिन की फाइल इस फोल्डर के बाहर होता तो हम देते, अभी तो अंदर ही है तो फिर हम नहीं देंगे। हाँ फोल्डर से बाहर जाने के लिए टेम्परेचर, एक मिनट, ये मे बी कि आपके पास कोई आपको एरर दे रहा हो, हम देख नहीं रहे क्या आया एरर। अच्छा देखिए ये हेडर इंफॉर्मेशन का जब भी मसला आए उसका मतलब ये हुआ कि ये हेडर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा, हालांकि हमने कोड बिल्कुल ठीक किया। तो मेरे हिसाब से फिर इधर स्लैश भी अच्छा हमने हटा दिया है, स्लैश लगाएं हटाएं मसला नहीं, ये मसला एक चीज का है। आपको टॉप पे आना है, एक पीएचपी का अपना कोड है जो अभी अभी नहीं खाया, वो पुराना कोड है, उसके अलावा कुछ उसने अपडेट्स किए हैं, लेकिन जो मैंने उसका हल देखा था, मेरे पास इतना मसला आया था जब मैंने इस प्रोजेक्ट को सर्वर पर चलाया था, होस्ट किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा ओबी स्टार्ट, ठीक है, ओबी स्टार्ट जब किया है तो फिर नीचे आके ओबी एंड भी होगा, ओबी फ्लश एंड है या ओबी एंड डायरेक्ट है, ओबी एंड फ्लश,
या वो ये रहा है आपके पास कि हेडर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हेडर कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया लेकिन ये रिकॉर्ड को आगे भेज नहीं पा रहा, ये पीएचपी का ड्रॉबैक है, ठीक है, जो ये अक्सर करता है जस्ट हेडर पे, हेडर की इन्फॉर्मेशन लोड करने पे ये अक्सर मसला आता है। अब देखें, अब मेरे हिसाब से इसको चलना चाहिए, तो अब आपको ये लेके जा रहा, ठीक है, वो मैं जब एरर पीछे नीचे देख रही थी नीचे एरर आ रहा था, हमने देखा ही, ठीक है। तो खैर आपके पास ही कहाँ पे लेके आया, आपको नए पेज पर लेकर आया। अब आपने इसमें एक काम करना है, बिल्कुल छोटी सी कंडीशन लगानी है, ये फेल्स वाला एक काम करना है। अब देखिए मैंने लॉगिन तो नहीं किया, मैंने किया लॉगिन नहीं किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाऊं डैशबोर्ड पे तो उसको नहीं लेके जाना चाहिए ना, लॉगिन तो नहीं किया फिर ये क्यू लेके गया, उसको नहीं लेके जाना चाहिए ऐसे ही। तो ये आपने कंडीशन देखनी है, ये कंडीशन लगानी है, थोड़ा बहुत जो काम है आपका सेशंस पे होगा कि ये अगर लॉगिन है ही नहीं तो फिर क्यों जा रहा है, लॉगिन करने पे तो जा रहा है वो सही अपनी जगह, लेकिन ऊपर यूआरएल में मैं लिखूंगी तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जाएगा, लेकिन इसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसको नहीं जाना चाहिए, इसको वापस हमें लॉगिन पे भेजना चाहिए कि भाई इस तरीके से आपका जो है वो जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप डैशबोर्ड पे एक्सेस नहीं कर सकते, वरना इससे क्या होगा, इससे तो हर बंदा आपके एडमिन बन जाएगा, खोलेगा और यूजर ऐड करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर आपने जो है वो इसमें अलग छोटी सी कंडीशन है वो देखनी है, नहीं होगा तो नहीं करवाऊंगी, मसला नहीं, लेकिन सर्च करें, ठीक है, और जिनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है वो भी कंप्लीट करें पहले, ठीक है, इसको पहले स्टार्ट कर लो। हाँ आपका सबमिटेड है, ठीक है, स्पोर्ट की पिक्चर ले लें, और लास्ट में कौन बैठे हुए, आई थिंक उस्मान है, ऊपर है, कौन है तुम दोनों में से, उस्मान, उस्मान उठो यहाँ पे आ जाओ करीम के साथ, मोहसिन आप भी वहां से यहाँ आ जाओ, इधर बैठ जाओ मोहसिन आप, इधर 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 आया, डेस्कटॉप पे आ गया होगा ये फोल्डर,